Hello everyone, how are you today? Welcome to my class. Today we are going to discuss on calculation of pH and concentration of H positive and OH negative ion when equal volume of solution of non-pH are mixed. मतलब ये हुआ कि अगर दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशन आपके पास है और उनका पीएच नोन है और वॉल्यूम सेम है, ऐसे सॉल्यूशन का हम पीएच और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, वेरी सिंपल स्टेप में शॉर्ट ट्रिक में आपको सिखाने वाला हूं। कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और अकेडमिक स्टूडेंट के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही प्रोसेस आपको सिखाने वाला हूं मैं, तो नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। इतनी सिंपल ट्रिक है कि आपको मजा आ जाएगा आज के इस वीडियो में कि 30 से 40 सेकेंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जबकि दूसरे प्रोसेस से कम 10 मिनट आपको लगेंगे। तो देखिए आज दोनों प्रोसेस आपको सिखाने वाला हूं। तो पहले तो मैं हेडिंग लिख दूं आपको, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि मैं क्या सिखा रहा हूं। बोली हुई चीज आप अगर भूल जाते हैं तो देखिए आज का लेक्चर है कैलकुलेशन ऑफ पीएच एंड कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव और ओएच नेगेटिव व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू और थ्री सॉल्यूशन इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू और थ्री सॉल्यूशन ऑफ नॉन पीएच of known pH are mixed together। ये है आज की most important heading और इसमें साथ में मैं ये जोड़ रहा हूं by best short trick। साथ में ये भी देख लीजिए बेस्ट शॉर्ट ट्रिक के द्वारा इसको सिखाने वाला हूं। एक बार और सुनिए, कैलकुलेशन ऑफ पीएच एंड कंसंट्रेशन ऑफ एच और ओएच नेगेटिव व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू और थ्री सॉल्यूशन ऑफ नॉन पीएच जिनका पीएच हमें ज्ञात हो आर मिक्स टुगेदर बाय बेस्ट शॉर्ट ट्रिक। दोनों का पीएच निकालना सिखा रहा हूं। बस इसमें एक बात ध्यान रखिए, जब दो सॉल्यूशन आपके पास हैं और दोनों में एक यूनिट डिफरेंस होना चाहिए। अगर यूनिट डिफरेंस है, वन यूनिट का डिफरेंस है, तो ये शॉर्ट ट्रिक्स मेरी काम करेगी, वरना काम नहीं करेगी। वरना बड़ा फॉर्मूला भी बताऊंगा, उससे आप किसी के लिए भी निकाल सकते हो। तो देखिए मैं यहां पर एक क्वेश्चन के फॉर्म में ले रहा हूं। क्वेश्चन मान लीजिए ये है आपका, अगर किसी दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन देखिए सॉल्यूशन ए ये है आपके पास और इसका पीएच है टू। एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच है टू, उसके पास सॉल्यूशन आपके पास बी है और इसका पीएच है आपका थ्री। यूनिट डिफरेंस हो गया, दो सॉल्यूशन आपके पास है और दोनों का जो वॉल्यूम है ए और बी का वो सेम वॉल्यूम है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वॉल्यूम सेम होना चाहिए
और दोनों के पीएच में यूनिट डिफरेंस होना चाहिए। इसी के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं, यहां पर 3 और 4 होते तब भी आप उस शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं, 1.5 और 2.5 होता तब भी आप इससे निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि दोनों का वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए मैं दो प्रोसीजर आपको सिखा रहा हूं। पहला प्रोसीजर मैं दिख रहा हूं यहां पर, ये है हमारा लॉन्ग मेथड, ये लॉन्ग मेथड है, इसको पहले सीख लीजिए उसके बाद आपको शॉर्ट मेथड सिखाऊंगा, पहले लॉन्ग मेथड सीख लीजिएगा। लॉन्ग मेथड में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला तैयार कर लेना है। पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये आपका पीएच का फॉर्मूला है अगर आपको पीएच निकालना है। और अगर आपको पीएच दिया है और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालना, तो बड़ी सिंपल फॉर्मूले से आप इसको यूज कर सकते हैं। एच पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होता है 10 टू दी पावर माइनस पीएच। आप इस फॉर्मूले का यूज करिए, डायरेक्ट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकल आएगा। तो यहां पर पीएच दिया गया है तो हमें दो चीजें निकालना है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी निकालना है और हमें पीएच भी निकालना है। ऐसे सॉल्यूशन का जो दो है और दोनों का वॉल्यूम इक्वल है लेकिन पीएच नोन है और दोनों के पीएच में यूनिट डिफरेंस है, तो ऐसी कंडीशन में आप देखिएगा कि मैंने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का फॉर्मूला आपके सामने लिखा है। तो यहां पर मैं लिखूंगा सॉल्यूशन नंबर ए, तो यह दिया हुआ पीएच इज इक्वल टू 2, तो एच पॉजिटिव कितना होगा, तब एच पॉजिटिव आपका होगा इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 2, ये आपका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकला है 10 टू द पावर माइनस 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 10 टू द पावर माइनस 2 का मतलब होता है 0.01, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये आ गया हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मोल के रूप में आपको लिखना है। ऐसी पीएच दूसरे सॉल्यूशन का जो पीएच है वो है आपका 3, तो एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितना होगा, बड़ा सिंपल है, इज इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3 और इसको हम लिखेंगे 0.001। ये देखिए दोनों का मैंने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपके सामने सिंपल मेथड से निकालता जा रहा हूं, ये लॉन्ग मेथड है पहले बताया मैंने, तो देखते हैं लॉन्ग मेथड में कितना टाइम आप इसमें ज्यादा टाइम लगेगा और शॉर्ट मेथड आपको लास्ट में बताऊंगा जो कि 30 सेकंड में आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए ये हमने दोनों का हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकाल लिया है, अब यह क्या करेंगे दोनों के हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को सॉल्यूशन ए को, यानी सॉल्यूशन ए है ये सॉल्यूशन बी है, इन दोनों के कंसंट्रेशन को आप ऐड करके और 2 से डिवाइड करना है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टोटल टोटल एच पॉजिटिव ये निकालना है, क्योंकि दोनों का मिक्स करेंगे तो टोटल एच पॉजिटिव इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको लिख लीजिए 0.01 प्लस 0.001 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका, मैं पूरी पूरी प्रोसेस आपको बता रहा हूं जिनका मैथमेटिक्स बहुत कमजोर भी है, तो मेरे प्रोसीजर से आप उसे सॉल्व करना सीखिए, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैलकुलेटर वैसे भी आपको यूज करने कोई नहीं देगा, तो आप इसको मेरे हिसाब से सॉल्व करो। अब क्या करेंगे आप इसको, इसको लिख सकते हैं हम 0.01 अपॉन 2 प्लस 0.001 अपॉन 2, ऐसे करके इसको लिखा जाता है दोनों को। अब डिवाइड कर दीजिए, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसको हटा दीजिए और यहां पर 20 बढ़ा दीजिए, ऐसे यहां पर ये पॉइंट को हटा दीजिए और यहां पर 30 आप बढ़ा दीजिए, जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आपका जो आएगा, कैसे निकालते हैं, 200 का भाग 1 में देना है तो आपको क्या करना है, यहां पर पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे
एक जीरो यहां पर करेंगे, फिर एक और जीरो लगाएंगे और एक जीरो यहां करेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये आंसर आपका आ गया, ये कट गया आपका 0.005। ऐसे सेम ऐसा इसमें करिएगा, जैसे यहां पर आपका 2000 का डिवाइड 1 में करना है तो पहले हम पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो यहां पर बढ़ा देंगे, फिर एक जीरो यहां पर लिखेंगे, एक जीरो यहां पर लिख दीजिए, फिर एक और जीरो यहां पर जाएंगे, एक और जीरो यहां पर दीजिए, अभी भी भाग नहीं जा रहा है तो एक और जीरो यहां पर कर दीजिए, एक जीरो यहां पर कर दीजिए, अब आपका भाग चला जाएगा 2000 का 10000 में तो ये 5 भाग जाएगा। देखिए ये आंसर आपका आ गया, ये इसका आंसर है और ये इसका आंसर है, ओके। बस दोनों को जोड़ दीजिए, कैसे जोड़ेंगे देखो, 0.005 प्लस 0.0005 तो क्या आ जाएगा 0.0055 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.0055, ये आपका आंसर कितना हो रहा है इसके लिए 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 5, and 5 सही आ गया 0.0055, ये आपका आंसर आ गया, ओके। ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, आप ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, तो ये आपका आंसर है। इसको कैसे लिखा जा सकता है सिंपल वे में, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁴, ये इसको लिखा जा सकता है, ये पॉइंट यहां पर है 1, 2, 3, 4, 4 के बाद डेसिमल लगाएंगे तो 5 × 10⁻⁴ आ जाएगा। अब आपने ये क्या निकाल लिया, ये निकाला है टोटल H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपने ये निकाल लिया। जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपने निकाल दी तो pH का फार्मूला लगा करके आप इससे pH वैल्यू निकाल सकते हैं, तो अपन कैसे लिखेंगे देखो, pH इक्वल टू माइनस log, और इसको लिखेंगे ब्रैकेट में 55 × 10⁻⁴, ये लिख देते हैं। देखते जाइए आपको पीएच निकालने का यही प्रोसीजर है, मैथमेटिकली टूल्स ऐसा है कि आप कितना भी सिंपल तरीके से निकालेंगे तब भी आपको सॉल्व तो करना ही करना पड़ेगा, इसलिए आपको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि आपको पेपर में कैसे करना है। तो ये आपने लिख दिया, अब इस लॉग का मल्टीप्लाई इसमें करेगा तो ये हो जाएगा आपका देखो pH इज इक्वल टू माइनस log कितना हो जाएगा log 55 और इंटू का log होता है प्लस log 10⁻⁴, ये आप ऐसे लिखना सीख लीजिएगा, बहुत सरल तरीका है, ठीक है। अब आप उसको माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा pH इज इक्वल टू log, माइनस किया तो माइनस लॉग हो जाएगा, माइनस लॉग 55, ठीक है, माइनस का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लॉग 10⁻⁴, देखिए ये आ गया आपका। इसको और सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 55, ये इधर आ जाएगा माइनस ब्रैकेट लगा के लिखेंगे माइनस 4 log 10, माइनस और माइनस से कट जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो फिर आंसर हमारा ये आने वाला pH इक्वल टू माइनस log 55 प्लस 4 log 10, log 10 की वैल्यू 1 होती है और log 55 के वैल्यू मैं आपको बता देता हूं क्योंकि ये आपको log टेबल में ही देखना पड़ेगी, इसकी वैल्यू मैं अभी आपको बता देता हूं। तो ये हो जाएगा माइनस 1.74, ये इसकी log 55 की वैल्यू है माइनस 1.74, और ये हो जाएगा प्लस 4, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा, तो आपका ये आंसर आया। अब आपको क्या करना है, 4 में से 1.75 माइनस कर दीजिए, 4 1.74, ये आ जाएगा 6 और 8 हो गए तो 2 हो गए यहां पर, और यहां पर 2.26 आ रहा है, देख लीजिए इसको मैंने क्या किया है माइनस कर दिया है, तो आंसर आपका आ गया 2.26।
2, 6, इसको हटा देते हैं ओके ये आपका आंसर क्या आ गया 2.26 यही हमारा पीएच है जो आपने पहले हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकाला और उसके बाद में आपने ये पीएच निकाल दिया ये प्रोसीजर आपको तो आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं यहां पर पीएच इक्वल टू 2.26 ये आपका आंसर आ गया अगर कोई सॉल्यूशन है ए एंड बी और एक का पीएच 2 है और एक का पीएच 3 है दोनों में यूनिट डिफरेंस है और इक्वल वॉल्यूम है ऐसे मिक्सचर का पीएच निकालने के लिए आपको ये पहले हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन टोटल निकालना पड़ेगा उसके बाद ये निकालने के बाद टोटल पीएच निकालना पड़ेगा यहां पर आंसर आपको इतना सॉल्व करने पर मिलने वाला है अब कंपटीशन में इसको निकालने में करीब करीब आप 5 मिनट 7 मिनट कुछ बच्चे 10 मिनट भी लगा लेते हैं आपके ऊपर डिपेंड है अब इसकी मैं एक शॉर्ट क्लिप भी आपको बता रहा हूं अब आप इसकी शॉर्ट क्लिप देख लीजिएगा शॉर्ट क्लिप वो लॉन्ग मेथड था ये शॉर्ट ट्रिक है इसमें आपको ये 2.26 आंसर 30 सेकंड में निकलाएगा इसको ध्यान से देखें देखिए मान लीजिए आपके पास ये पीएच दिया हुआ है कितना कितना 2 और 3 पीएच दिया है तो आपको क्या करना है इस 2 और 3 को ऐड कर देना है और 2 से डिवाइड कर दो दोनों का पीएच जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए आंसर कितना आ जाएगा 5/2 फाइनल आंसर कितना होगा 2.5 2 × 4 = 2.5 आंसर आ गया देखिए ये अभी आपका आ गया आंसर 2.5 अब आपको क्या करना है एक संख्या बता रहा हूं उस संख्या को आपको याद रखना है तो 2.5 जो आंसर आपका आया है उसमें से इस संख्या को माइनस कर दीजिए 0.24 इसको आपको सब्सक्राइब करना है ये संख्या आपको याद रखना पड़ेगी ये वाली संख्या ये आपको मैं क्योंकि मेथड बता रहा हूं ये 0.25 ये नहीं कि इसी के लिए है कि पीएच 2 और 3 दिया हुआ है पीएच 3 और 4 हो 4 और 5 हो 1.5 2.5 हो 3.5 और 4.5 यानी एक यूनिट का डिफरेंस की कोई भी संख्या हो और इक्वल वॉल्यूम हो तो आप इसी को याद रखेंगे अगर संख्याएं 2 से ज्यादा हैं तो ये नंबर आपका बदल जाएगा वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा अभी आपको मैं केवल कौन सा बता रहा हूं जिसमें 2 का सॉल्यूशन है तो 2.5 से 0.25 माइनस कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा देख लो करके 2.5 और 0.24 10 में से 4 नहीं तो कितना बचेगा 6 5 से 1 तो 3 5 से 3 नहीं तो 2 और ये 2 देखिए 2.26 आंसर आ रहा है ना तो ये आंसर आपका आ जाएगा 2.26 देखिए ये भी 2.26 है और ये भी 2.26 है ये विदिन सेकंड में निकल आएगा इसमें आपको 5 से 7 मिनट खर्च करना पड़ेंगे तो इस ट्रिक के द्वारा भी पेपर में आप अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा तो यहां पर हो जाएगा pH इक्वल टू 2.26 ये शॉर्ट ट्रिक का आंसर है इस वीडियो से आपको जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व हो जाते हैं सभी तो नहीं होते हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व हो जाते हैं और आप इस ट्रिक का यूज करके इसमें मेन नंबर कौन है 0.24 इस नंबर को बस याद रखना है दोनों को जोड़ दीजिए पीएच को 2 से डिवाइड कर दीजिए और 0.24 से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा यहां पर आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मैंने निकाला सॉल्व करना सिखाया और पीएच निकालने के लिए इस प्रोसीजर का यूज करेंगे इससे आपका वीडियो बहुत आसान हो जाएगा बस ये ध्यान रखना है इस शॉर्ट क्लिप में मैं ये नंबर जो है ना शॉर्ट क्लिप क्या करना है एड पीएच वैल्यू अगर भूल जाओ तो फाइनल चीज क्या करना है एड पीएच वैल्यू और दूसरा है डिवाइडेड बाई 2
तीसरी बात है सब्सट्रैक्ट बाय 0.24। देखिए ये तीन मेथड में आपको दे रहा हूं, एड पीएच वैल्यू दोनों को जोड़ दो, डिवाइडेड बाय 2 एंड सब्सट्रैक्ट बाय 0.24। ये प्रोसीजर कब काम आएगा? जब यूनिट डिफरेंस हो, बार बार एक होगा यूनिट डिफरेंस हो, ऐसा मत कर बैठना कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है और आप इस प्रोसीजर का यूज करें। ये केवल और केवल उनके लिए है जिनमें यूनिट डिफरेंस होगा दो सॉल्यूशन में, उनके लिए ये ट्रिक काम करेगी। बना ये वाली जो ट्रिक मैंने बताई, ये ट्रिक नहीं है, ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले से आप यहाँ पर पीएच कितना भी दिया हो हमेशा सॉल्व होगा। तो ये दोनों ही ट्रिक आपके लिए काम आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू। इस वीडियो में जो भी प्रॉब्लम आपको नजर आए प्लीज मुझे जरूर बताइएगा और मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एक बार फिर थैंक यू सो मच।